हेलो व्यूअर्स, तो आज ये जो पार्ट है ये है मेरा माय जर्नी ऑफ वेब डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी और मैंने क्या क्या सीखा चार मंथ के अंदर, और उसके बाद दो साल तक अभी मैं क्या क्या सीख रहा हूँ और क्या क्या सीख सकता हूँ, और उसके बाद आप कैसे इस फील्ड में आए जीरो नॉलेज के साथ और अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई लेवल करें। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप को ये वीडियो देखना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि इससे आपका करियर बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है, बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं अपने नॉलेज को। तो देखते हैं गाइस, ये है मेरा बेसिक टू प्रो पार्ट टू, जो पार्ट है वन है वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। उसके बाद गाइस, इस बार इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वीडियो पे मैंने मेरी जो स्टार्टिंग थी 4 मंथ तक, और उसके बाद अभी जो 2 साल हो रहे हैं, तो इसके अंदर मैंने क्या क्या सीखा और एक डेवलपर का माइंडसेट क्या क्या होना चाहिए गाइस। तो डिस्कशन के अंदर हम देखते हैं कि माइंडसेट में क्या क्या होता है। जैसे गाइस, कोई भी एक वेबसाइट हम देखते हैं तो उस वेबसाइट के अंदर कैसे कैसे कोई भी एक फंक्शन काम कर रहा है, कोई भी जहाँ पे क्लिक कर रहे हो वहाँ पे कैसे रिस्पांस आ रहा है, कैसे एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं, ये सब गाइस बहुत जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए एक डेवलपर के माइंडसेट से आप हमेशा ये गूगल करते रहना, मतलब एक जो एडवांस डेवलपर है वो भी हमेशा सर्च करते रहते हैं कि ये चीज़ कैसे काम करता है, क्योंकि हर हम इंसान की फितरत होती है कि हम भूल जाते हैं, तो हमें ये सब हमेशा सर्च करते रहना चाहिए ताकि हमें याद रहे। अगर आप डेवलपर हैं तो आप सर्च करेंगे, या फिर अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये शर्माना मत, आप सर्च करते रहना। अगर आप सर्च करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे, डॉक्यूमेंट्स से बहुत बहुत कुछ सीखेंगे। उसके बाद गाइस, जो सेकंड पॉइंट होता है कि फोकस ऑन वर्क, क्या होता है कि एक जैसे ये सब जो है ना वो क्या होता है, बिगिनर के लिए भी होता है, एडवांस के लिए भी होता है, कि फोकस ऑन वर्क में क्या होता है गाइस, कि जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी काम स्टार्ट करते हैं या सीखना स्टार्ट करते हैं, तो हमें अपना पूरा माइंडसेट लगा देना चाहिए कि ये भाई जितना टाइम लगे मैं इसे करूँगा और इसे कम्प्लीट करूँगा। अगर आपका फोकस नहीं रहेगा ना तो आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। जैसे इस मैंने बताया पहले भी कि वेबसाइट डेवलपमेंट का मेन 3 पार्ट होता है, HTML, CSS, JavaScript, फ्रंट एंड बैक एंड जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप HTML सीख लेंगे, अगर फोकस नहीं रहेगा तो आप CSS अच्छी तरीके से सीख नहीं पाओगे, और इसके बाद और भी फोकस देना पड़ेगा आपको आगे की चीज़ों, लर्निंग में, प्रोसेसिंग में। जैसे मैं आप स्लाइड के आगे में आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे काम कर रहा है। उसके बाद गाइस क्या होता है, डोंट लूज मोटिवेशन, मोटिवेशन कभी मत खोना गाइस। अगर आप खो देंगे तो खुद सेल्फ मोटिवेशन अगर आप खो देंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी इस फील्ड में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट करने में दिक्कत होगी। फिर अगर आप मतलब पूरा नॉलेज के साथ भी आप नहीं कर पाएंगे तो इसके टाइम पे आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, क्या पता कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए। एक डॉट का सिंबल की वजह से भी गाइस एक सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो पाता, बहुत सारा एरर आ जाता है। तो इसलिए मोटिवेशन मत कभी खोना, अगर जरूरत पड़ी तो 2-4 सेल्फ मोटिवेशन की किताबें पढ़ लो या फिर वीडियो ही देख लो यूट्यूब से। इसके बाद गाइस, ये बिगिनर्स के लिए स्पेशली है कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसके लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर छोटा सा भी एक प्रोजेक्ट करेंगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं गाइस, इस स्लाइड पे मैं बताऊँगा कि एक डेवलपर की माइंडसेट क्या होना चाहिए और डेवलपर को क्या क्या करना चाहिए, मतलब ये सब मैंडेटरी है गाइस। तो क्या होता है कि अब हम लोग जब कोई वेबसाइट बनाते हैं या फिर एक डेवलपर बनाते हैं तो फिर क्या क्या चीज़ मतलब ध्यान पे रखना चाहिए, और उसके बाद एक बिगिनर हो तो क्या क्या चीज़ मैंडेटरी है करना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्राई टू सी एवरी वेबसाइट एज अ डेवलपर पर्सपेक्टिव एंड फोकस ऑन लर्निंग। तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, अगर हम कोई भी एक वेबसाइट वेब पेज देखते हैं तो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं होता, सब कुछ HTML, CSS, JavaScript से बनता है। अब आप कितना सीखे हो उसके ऊपर डिपेंड करके आपका लर्निंग स्किल आगे बढ़ता रहता है और आप सीख पाते हो। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई एक वेब पेज देख रहे हो किसी भी गूगल का भी, www.google.com भी अगर आप सर्च कर लोगे तो वो भी HTML CSS से ही बनाएगा इस, तो उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि वो काम कैसे करता है, वहाँ पे क्लिक करने में क्या होता है, और वहाँ पे HTML का हेडर टैग, फुटर टैग यही सब होगा गाइस।
तो इसलिए बोलते हैं कि कोई भी चीज अगर आप देख रहे हो तो डेवलपर के प्रोस्पेक्टिव से देखो, तो आप बहुत ज्यादा एनहेंस कर पाओगे अपनी नॉलेज को। उसके बाद आता है एज ए वेबसाइट डेवलपर यू शुड लर्न, मतलब एक डेवलपर की नजर से आपको ये सब सीखना चाहिए, जैसे HTML, CSS, JavaScript, ये तो बेसिक ऑफ 3 पिलर्स है, मतलब इसके अलावा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा जो वेबसाइट माई जर्नी एज अ वेब डेवलपर, इसका पार्ट 1, मतलब पहले वाला बेसिक का पार्ट देख लीजिए, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद होता है कि प्रैक्टिसिंग कोड एवरीडे, मतलब होता है गाइस कि आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप बिगनर है तो मैं आपके लिए ये बोलूंगा कि आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा हो, 10 लाइन का कोड हो, 5 मिनट टाइम दीजिए, 10 मिनट टाइम दीजिए, लेकिन डेली प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप डेली मतलब रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा, कुछ कुछ चीजें ऐसे होती है जो याद रह जाती है, कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो भूल जाएंगे, कुछ कुछ चीजें ऐसे ऐसे जगह इम्प्लीमेंट हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे और आपका स्किल भी बहुत ज्यादा ग्रो करे। उसके बाद डू एटलीस्ट 1 प्रोजेक्ट एवरी मंथ। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कम से कम एक प्रोजेक्ट, छोटा सा हो, 1 पेज का हो, लेकिन प्रोजेक्ट जरूर कीजिए मतलब वेबसाइट के अंदर HTML, CSS और JavaScript की मदद से। तो इससे क्या होगा, हर मंथ एक प्रोजेक्ट करेंगे तो गाइस अगर आप 12 मंथ से सीख रहे हैं तो 12 प्रोजेक्ट हो गए, अगर आप 2 ईयर्स से सीख रहे हैं तो फिर आपके पास 24 प्रोजेक्ट होगा। मेरे पास 24 प्रोजेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने पहले से स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन अब मुझे इसके बारे में पता लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, तो पहले ही बताऊंगा कि ये सब आप कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है, 4 पॉइंट है, क्रिएट ए गिट हब अकाउंट एंड लर्न गिट। गाइस ये एक डेवलपर, मतलब एक अगर आप एक डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर अगर एक डेवलपर है तो पूछ लेना गिटहब क्या है या गिट क्या है, अगर आपके आसपास कोई है तो, क्योंकि गिट जो है ना बहुत एसेंशियली मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम कोई भी अपना कोड पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, मतलब कोई भी कोड हम डाल सकते हैं जो फ्री है, और इसके अंदर आप वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक एंड्रॉयड, एक एंड्रॉयड का वर्जन देख लीजिए, आपका स्टार्ट हुआ कहाँ से, मान लीजिए 1 से, अभी अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, एंड्रॉयड 12। तो गाइस ये वर्जन होता है ना कि एंड्रॉयड 1, एंड्रॉयड 2, एंड्रॉयड 3, तो यही होता है। अगर आप वेबसाइट बनाते हैं या फिर कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जैसे गूगल, फेसबुक, IBM और एक्ल, जो भी बोल लीजिए, ये इनका वर्जन कंट्रोल सिस्टम रहता है जिसके अंदर ये वर्जन अपग्रेड करते रहते हैं। तो गिटहब और गिट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ आपको इसमें सीखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, बाद में आप सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी सीख लेंगे तो इसमें काम बन जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे और बहुत ज्यादा, और मैं सिखा भी दूंगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक डेवलपर को कौन सा चीज नहीं करना चाहिए। तो एक डेवलपर जो है उसके हमेशा मतलब एक्सप्लोर कर लेना चाहिए कि अभी मार्केट में कौन सा फील्ड आ रहा है, कौन सा नया ट्रेंड चल रहा है। मैं ये सॉफ्टवेयर डेवलपर और वेबसाइट डेवलपर के बारे में ही बोल रहा हूँ, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि एक बेसिक जो वेबसाइट बनता है वो बनता है HTML, CSS, JavaScript। उसके बाद मैं सिखाऊंगा मतलब स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट, ये दो अलग अलग चीज़ है, जो एक छोटा सा टॉपिक है, ये 2-3 मिनट की वीडियो में आ जाएगा, जो मैं आपको बाद में स्लाइड बना के दिखा दूंगा कोई अदर्स वीडियो में। तो इसमें क्या होता है गाइस, ये HTML, CSS, JavaScript के थ्रू आप कोई भी एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं, लेकिन जब आपको एडवांस टॉपिक आना होता है जैसे डेटाबेस के साथ कनेक्शन, ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, अमेजोन का वेबसाइट, तो इसमें गाइस आपको डायनेमिक वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए कि क्या टेक्नोलॉजी नया आ रहा है जो आपको हेल्प करे एक ईजी वे एक वेबसाइट बनाने के लिए। आगे बात करेंगे इसके बारे में क्यों मैं ये टॉपिक बोल रहा हूँ, मतलब बोलने की वजह क्या है। तो उसके बाद जो पहला पॉइंट है उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि गेट ए ब्रेक व्हेन यू लर्निंग समथिंग न्यू। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि क्या क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए ऐसे डेवलपर। तो कभी भी गाइस ब्रेक मत लेना जब आप कुछ सीख रहे हैं। ब्रेक मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन 24 घंटे लगे पड़े हैं, ब्रेक मतलब एक मान लीजिए कैलेंडर बना लीजिए, अगर या फिर कैलेंडर पे आपके मोबाइल पे कैलेंडर पे एक
टारगेट रख दीजिए कि हर दिन 2 घंटे या फिर 1 घंटा करके मैं दूंगा इस टॉपिक को या फिर ये वेब डेवलपमेंट को, ताकि मैं जल्दी सीख जाऊँ। क्योंकि गाइस एक दिन का भी अगर आपने ब्रेक लिया तो दूसरे दिन को आपको करने का मन नहीं करेगा और आप सीख भी नहीं पाओगे। तो ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है जो कभी सीख नहीं पाते। क्यों गाइस? क्योंकि वो ब्रेक ले लेते हैं। जैसे जिम पे जाने का टारगेट तो होता है, लेकिन एक दिन जाके फिर ब्रेक ले लेते, उसके बाद कभी नहीं जा पाते। ऐसा ही होता है गाइस। उसके बाद लूज सेल्फ मोटिवेशन, तो ये नहीं करना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन हमेशा बनाए रखना चाहिए। अगर आपने लूज कर दिया तो आप खत्म, खत्म मीन्स एकदम एंड तक, आप कुछ आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके बाद अवॉइड प्रैक्टिसिंग कोड, तो ये नहीं करना चाहिए गाइस। आपको हमेशा ये करना चाहिए कि हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कोड्स को, मतलब इस जो प्रोजेक्ट्स है उसका कोड है। तो कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में कोई कोड्स ही तो होता है ना, कोई एक सॉफ्टवेयर बनाने में, तो ये मैं यही बोल रहा हूँ। तो डू नॉट ट्राई प्रोजेक्ट्स। तो गाइस मैंने पहले ही बताया, ऑलमोस्ट आपको हर महीने एक पेज का भी अगर हो तो आपको ये प्रोजेक्ट करते रहना चाहिए, ताकि आपका स्किल बहुत एनहेंस हो और आप अगर कोई कंपनी पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप दिखा सकते हैं। ये गेट और गेट हब जो है ना, बहुत बड़ा कम्युनिटी है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, मतलब एक रिपोजिटरी शेयर वेबसाइट है, और इसके अंदर ही आप दिखा सकते हैं कंपनी को कि क्या मैंने ये प्रोजेक्ट किया है। उसके बाद जो आता है, यू थिंक इट इज द एंड। तो गाइस ये मत कभी सोच लेना कि HTML CSS JavaScript सीख लोगे तो पूरा आप सब कुछ सीख जाओगे। समुंदर है ये, इसके अंदर मतलब एक जो प्रो लेवल का है ना, वो भी सोचता है कि इसके अंदर वो एक चीटी की तरह भी नहीं है। तो आप सोच सकती है कितना बड़ा फील्ड है। इसके अंदर आप बहुत कुछ सीखेंगे, बस आगे बढ़िए और जितना सीखेंगे उतना ही आपका सैलरी, आपका स्किल, आपका एक खुद का कंपनी खोल सकते हैं गाइस। और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। नाउ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे मेरा, मैंने बताया कि मैंने 4 मंथ में क्या क्या सीखा गाइस। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि इन माई 4 मंथ्स मैंने सीखा HTML टैग्स कैसे काम करते हैं, उसके बाद CSS मतलब डिजाइनिंग कैसे काम कर मतलब यूज कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि HTML CSS गाइस एक साथ ही मर्ज होकर काम मतलब यूज होता है, उसके साथ जावास्क्रिप्ट भी होता है। लेकिन गाइस पहले आप देख लीजिए, मैं तीन हमेशा जावास्क्रिप्ट के बारे में बात किया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है PHP। तो गाइस इसमें क्या होता है कि मैंने PHP स्टार्ट किया था PHP से, मुझे जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता था कि इसमें हम कितने आगे जा सकते हैं। तो बस मैंने देखा कि वेबसाइट बनाना है तो PHP स्टार्ट करो, तो PHP मैंने स्टार्ट कर दी, डेटाबेस के साथ काम करना स्टार्ट किया। और उसके बाद गाइस जो ये आप वेब पेज देख रहे हैं, ये मान लीजिए ये ऑटो एक ऐसा वेब पेज है, हर बार जो रिफ्रेश होता है ना, उसके बाद ये बैकग्राउंड का जो इमेज है वो हमेशा मेरा चेंज होता रहेगा। तो ये मैंने अपने 4 मंथ के अंदर ये मैंने बनाया था एक बेसिक सा टेम्पलेट। तो ऐसे ऐसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ये फुल्ली गाइस HTML CSS और PHP भी नहीं है इसके अंदर, HTML CSS हार्डली 100 लाइन की कोड से मैंने ये बनाया था। उसके बाद गाइस बात करते हैं कि एडवांस पार्ट ऑफ माय एक्सपीरियंस। गाइस आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 80% इन एडवांस टॉपिक, मतलब ये 20% भी नहीं था जो मैंने 4 मंथ के अंदर सीखा था, और 80% ये है जो एडवांस टॉपिक के अंदर आता है। 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं इस फील्ड के अंदर मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और मैं बहुत कुछ आगे सीखने वाला हूँ और सीख रहा हूँ। तो 2 साल के अंदर गाइस मैंने क्या क्या सीखा, आपने डेटाबेस के नाम सुना होंगे, फिर सर्वर के नाम सुने होंगे। तो गाइस मैंने ये सब सीखा, डेटाबेस कैसे काम करते हैं, सर्वर कैसे काम करता है, सर्वर के अंदर एप्लीकेशन होस्ट कैसे कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन कितने तरीके से काम करता है। जैसे हम सर्च करते हैं www.google.com, तो google.com क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, डोमेन क्या होता है। गाइस मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा, यहाँ पे लिखा हुआ 6 पॉइंट है, लेकिन 6 पॉइंट नहीं है गाइस। मैंने ये 2 साल में बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज मैंने हासिल किया, और ये कोई पेड कोर्सेज के थ्रू नहीं किया मैंने गाइस, फ्री में किया, यूट्यूब पे सर्च करके, रिसोर्सेज से, फिर बहुत सारी ऐसे वेबसाइट है बहुत हेल्प करते हैं। तो मैंने बहुत सारे वेबसाइट पढ़ा कि इसके अंदर आप बहुत सारा हेल्प पा सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दूँ जिसके थ्रू आप बेसिक टू मतलब एकदम जीरो नॉलेज टू एडवांस पे मैं ले जाऊँगा। इसके अंदर मैंने आप क्या क्या सीखा मैं आपको बताता हूँ। सिंगल पेज एप्लीकेशन, ये आपको समझ में नहीं आएगा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है। जैसे एक वेबसाइट होता है, इसके अंदर
मैं धीरे धीरे ये इसके बारे में बात करूंगा। चलो ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में बाद में बात करूंगा। प्रोग्रेसिव वेब एप्स के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है गाइस, जैसे हम मोबाइल में कोई ऐप देखते हैं, आजकल जो होता है कि हम कोई भी ऐप ओपन करते हैं और उसके अंदर एक ऐड टू होम बटन करते हैं। ऐड टू होम बटन करने के साथ साथ वो ऐप इंस्टॉल नहीं होता, लेकिन वो क्लिक करने के थ्रू मोबाइल फोन में क्या होता है गाइस कि एक ऐप, मतलब एक ऐप की तरह ही ओपन हो जाता है। वो होता है गाइस प्रोग्रेसिव वेब ऐप, जैसे इंस्टाग्राम का हो सकता है आजकल वो फेसबुक का निकल गया है, बहुत सारे कंपनी बैंक का निकल गया है कि एक ऐप, मतलब ऐप आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करना पड़ रहा है, वेबसाइट पे जाके अगर आप ऐड टू होम बटन करते तो वो बिल्कुल ही ओपन हो जाता है आपकी ऐप की तरह। तो वही होता है गाइस प्रोग्रेसिव वेब ऐप। उसके बाद मैंने सीखा लॉगिन लॉगआउट सिस्टम रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेट कैसे करें, कुकीज सेशंस बहुत कुछ, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन याद रखना कि ये एडवांस टॉपिक के अंदर आता है और ये बहुत, मतलब आप सीखेंगे तो आप बोलेंगे कि बहुत एडवांस नॉलेज मैंने हासिल कर लिया। उसके बाद मैंने सीखा बैकएंड पे काम कैसे करते हैं। मैंने बताया कि मैंने पीएचपी से काम स्टार्ट कर दिया, तो पीएचपी में क्या था, बहुत दिक्कत आ रही थी कि मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट फील आ रही थी कि मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा। फिर मैंने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया। जावास्क्रिप्ट के अंदर गाइस ये फैसिलिटी है कि मैं फ्रंट एंड भी बना सकता हूँ, बैक एंड भी बना सकता हूँ। इसके थ्रू मैंने काम स्टार्ट किया। और सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है, इस बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी आपको प्रोवाइड करते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये जो एडवांस टॉपिक है इसके अंदर मैंने एक रेस्टोरेंट का वेबसाइट बनाया था जिसके अंदर मैंने डेटाबेस को लिंक कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पिक्चर के अंदर आप देख लीजिए, मैंने फूड ऑर्डरिंग, फूड कॉन्ट्रैक्ट, बल्क ऑर्डर, ये सब का मैंने बनाया था। उसके बाद आता है कि होम सेक्शन, सर्विस सेक्शन, क्लाइंट, कॉन्टैक्ट अस, ये सब पेज के अंदर मैं डेटाबेस को ऐड करके मतलब एक प्रॉपर वेबसाइट बना दिया था गैस। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडवांस टॉपिक के अंदर गैस आता क्या है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जावास्क्रिप्ट की नोड.js लाइब्रेरी को यूज किया जाता है। नोड.js गैस ये बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर आप थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ पैकेजेस इंस्टॉल है। इसके अंदर बहुत कुछ है जो आपको बहुत ईजी तरीके से आपको एक वेबसाइट बना के दे सकते हैं। और ये जो है ना गाइस, आप सोच भी नहीं सकते मतलब इस फील्ड में कौन कौन इंटरेस्टेड है। इस फील्ड में मल्टीनेशनल कंपनी जैसे गूगल, फेसबुक, मतलब यहाँ पे तो मैंने दो ही नाम लिया हुआ है और भी बहुत सारे। उसके बाद गाइस आता है कि नोड.js के अंदर क्या क्या है। नोड.js के अंदर है रिएक्ट, रिएक्ट जो है ना गाइस, ये पता है सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, इसका सर्विस प्रोवाइडर है फेसबुक। फेसबुक इसे मेंटेन करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल है। इसके अंदर गाइस आता है एंगुलर जो गूगल देते हैं, मतलब गूगल इसका सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक्सप्रेस, मोंगूस जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट। एक्सप्रेस जो है एपीआई क्रिएशन। अब एपीआई के बारे में मैं आपको डेप्थ नॉलेज दूंगा अपनी अगले वीडियो पे या फिर आने वाले वीडियो पे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे है गाइस जो मुझे कवर करना है, टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद गाइस आता है डी जेंगो, मतलब इसे जेंगो कहा जाता है, इसका नाम ही जेंगो है। तो उसके बाद आता है फ्लास्क। उसके बाद थाउजेंड एंड मोर एप्लीकेशन जो रूबी ऑन रेल्स पे है। तो ये सब गाइस जो है ना बहुत एडवांस टॉपिक है जो आपको, मतलब आपको अभी सुनने में दिक्कत आ रही है लेकिन यकीन मानिए आप, मैं आपको इसके हाँ मतलब मेरे, मैं आपको हाथ पकड़ के यहाँ तक पहुँचा दूंगा कि आप ये सब इजीली सीख सकते हैं। उसके बाद गाइस आता है पाइथन, जावा, रूबी, ये सब लैंग्वेजेस पे गाइस आप बहुत, मतलब ये वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि HTML, CSS, JavaScript से ही आप करेंगे। तो ये सब जो है ना, जो लैंग्वेजेस है इसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके थ्रू ही आप बहुत सारा बैकएंड एप्लीकेशन बना सकते हैं, बहुत सारे मतलब इसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन, ऐसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप बना सकते हैं। ये सब है, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मेन चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप ये सब बना सकते हैं। उसके बाद आता है कि वेबसाइट का जो है, ये वेब डेवलपमेंट जो है ना गाइस, ये बैंकिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी काम आ सकता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि वेबसाइट यूज करते हैं बैंकिंग एप्लीकेशन में, तो फिर ये कितने ज़्यादा, मतलब इसका कम्युनिटी कितना स्ट्रांग होगा और कितने ग्रो हो रहा है। ये जेएस, एंगुलर, ऐसे लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। तो ये जो है ना गाइस, ये वेब डेवलपमेंट की कम्युनिटी जो है, ये एक ग्रोइंग कम्युनिटी है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, तो इसके बारे में मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। उसके बाद आप अगर एक बिगिनर्स हो तो गाइस आप क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हो, आपका CV और रिज्यूमे वेबसाइट बना सकते हो। इसके अंदर आप अपना
दिखा सकते हो कि आपका एड्रेस क्या है, आपने अभी कहाँ कहाँ से पढ़ाई किया, आपने अपने कौन सा प्रोजेक्ट किया। फिर आप ऐसे प्रोजेक्ट वेबसाइट बना सकते हैं जिसके अंदर आप दिखा सकते हैं कि क्लिक करने से एक प्रोजेक्ट खुल जा रहा है, कैसे काम कर रहा है। उसके बाद क्रिएट एनिमेशन यूजिंग CSS एंड HTML। HTML CSS के थ्रू आप जैसे एनिमेशन बना सकते हैं। हाँ गाइस, एनिमेशन बना सकते हैं CSS के थ्रू और HTML के थ्रू। CSS के थ्रू भी बना सकते हैं। तो इसके थ्रू बना के आप दिखा सकते हैं कि आपने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट करना बहुत मैंडेटरी है, बहुत बार बोल रहा हूँ मैं। क्रिएट वेब पेज विथ चेंजिंग बैकग्राउंड, जैसे मैंने अपना एक पहले वाला बोला था कि 4 मंथ के अंदर मैंने सीखा था। गैस, एक लाइन के अंदर आपका एक ऐसा वेब पेज बनाएगा जो हमेशा बैकग्राउंड को चेंज करता रहे, ये CSS के थ्रू यूज होता है। उसके बाद आप कोई भी कंपनी का लोगो बना सकते हैं CSS के थ्रू। इसके बारे में बहुत सारा वीडियो है गैस, अगर आपको प्रॉब्लम होगा सर्च करने में या फिर दिक्कत होगी कि ये कहाँ से मिले रिसोर्सेस मुझे, तो फिर डिस्क्रिप्शन देखिए, या फिर अगर नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम पर्सनली रिप्लाई करेंगे। उसके बाद अभी जो एडवांस के लिए है वो प्रोजेक्ट एज यू डू, मतलब प्रोजेक्ट यू कैन डू एज अ एडवांस लेवल। तो इसके अंदर आप क्या बना सकते हैं, डैशबोर्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं HTML CSS JavaScript के थ्रू, सिंगल पेज एप्लीकेशन के थ्रू। उसके बाद लॉगिन लॉगआउट रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर सकते हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना सकते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब एक ही फाइल होगा जिसके अंदर आपका टोटल कोड रहेगा और इसके अंदर आप कोई भी चीज बटन प्रेस करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन वहां पे दिखेगा। इससे क्या होता है गाइस कि सर्वर पे लोड नहीं पड़ता। आप सर्वर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा समुंदर है गाइस इसके अंदर, मैंने बताया है। तो डिवाइस रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन मतलब एक डिवाइस टू डिवाइस, जैसे ये लैपटॉप के अंदर आप देख रहे हैं ये पीपीटी, तो ये यहाँ पे अलग रिस्पॉन्स कर सकता है। जैसे एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है, अमेजोन का ऐप देख लीजिए, इसके अंदर क्या होता है कि एक अमेजोन ऐप के अंदर क्या होता है कि अलग देखने में थोड़ा सा अलग होता है उस, तो और वेबसाइट के अंदर क्या होता है वो अलग होता है अगर आप पीसी या लैपटॉप में निकाल, मतलब वो वेबसाइट ओपन करें तो। तो ये होता है डिवाइस रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन। तो ये आप बना सकते हैं API कॉल्स एंड API क्रिएट। तो ये एक एडवांस टॉपिक के अंदर आता है जिसके अंदर आप, मैंने जो एक्सप्रेस के बारे में बताया, जेंगो के बारे में बताया, फ्लास्क के बारे में बताया, इसके अंदर आप API क्रिएट कर सकते हैं जो डेटा को कॉल करें और रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन या फिर रिस्पॉन्सिव फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं कि गाइस कैरियर क्या होता है, मतलब फिल्म में आना तो चाहते हैं लेकिन इसमें फायदा क्या है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि इसके अंदर आपको कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होता है गाइस। मतलब आप अगर आपके उम्र 12 साल भी है तो भी आप ये वीडियो देख के सीख सकते हैं, इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। इसमें आपको डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्किल है अभी से, इसमें एक साल से दो साल दे दीजिए या फिर 6 महीने दे दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मतलब कितनी अच्छी फील्ड है आपके लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो बहुत बढ़िया, और अगर आप मतलब और कोई फील्ड पे हो कि कैरियर चेंज करना चाहते हो तो आपके लिए तो क्या ही बोलूं कि आप इस फील्ड में आ सकते हैं। 2-4 महीने ट्राई कीजिए, अपना टाइम निकालिए, सीखिए, बहुत आप अच्छा ग्रो करेंगे। अब इसके अंदर डिग्री की जरूरत नहीं होती है। तो गाइस इसमें क्या होता है कि मतलब आप अपने स्किल के थ्रू कंपनी दिखा सकते हैं, कंपनी को दिखा सकते हो और कंपनी आपको हायर कर लेगा, इसमें आपको डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद क्या होता है कि गाइस इसके अंदर सैलरी कैसे होता है, सैलरी गाइस ऑलमोस्ट आपका 50K से स्टार्ट होगा और उसके बाद आपका स्किल के, मतलब आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करके आपका सैलरी बढ़ाया जाएगा। उसके इसके अंदर गाइस बहुत सारा होता है कि फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, ये सब अगर आप एक एक मतलब पार्ट होता है अगर आप सीख लेंगे तो आपका सैलरी बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, खुद की कंपनी तक खोल सकते हैं गाइस, अगर आपका नेटवर्क सही रहे, आपका कनेक्शन है, आपके पास स्किल है तो। अगर दिक्कत हो रही है तो कांटेक्ट कीजिए, जरूर इसके बारे में डिस्कशन रखेंगे। उसके बाद होता है इट हैड अ ऑप्शन डू एज अ फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम। सबसे अच्छी बात है गाइस कि आप फ्रीलांस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 12 साल की उम्र की भी एड मतलब बारे में बात किया कि अगर आपकी उम्र 12 साल है, 13 साल है या फिर आपने बोर्ड का एग्जाम दिया 10th का,
तो फिर आप इसके मतलब वो 3-4 महीने की छुट्टी में आप ये सब सीख सकते हैं। जैसे कि आप अभी तो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना के टाइम है, तो मतलब ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप अपना टाइम दीजिए, निकालिए, ये सब सीखिए। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, फिर आप खुद मतलब जब मर्जी आए काम कीजिए, फिर क्लाइंट से पैसे लीजिए। अगर आपको ऐसा नहीं मिल रहा है कि कौन से वेबसाइट पे काम करें, तो मैं आपको वो वेबसाइट बताऊंगा जिस पे आप काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग गाइस ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ नॉलेजफुल मिला है, अगर यहाँ तक पहुँचे, ज़्यादातर लोग यहाँ तक आते ही नहीं है, आप अगर पहुँच रहे तो बहुत बहुत थैंक्स आपको हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लग रही है ये बारे में, तो आप अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और ये ज़रूर बता देना कि हमारे मतलब हमें क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करेंगे कि इम्प्रूवमेंट करने की। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल निकलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ इस हमारा जो कम्युनिटी है इसे ग्रो करने की मदद कीजिए, ताकि हम अपना नॉलेज बहुत दूर तक शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारी हेल्प कर सकते हैं कि ये हमारा कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करने में, ग्रो करने में और दूसरे की हेल्प करने में। तो गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम मी एस मतलब गौरव कर्मकार। तो किसके लिए वेटिंग कर रहे हैं? 3, 2, 1 नाउ स्टार्ट टू लर्न, मतलब आप अभी सीखना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कोई रेफरेंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, यहाँ पे आपको पक्का हमारा सारा लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को अभी एंड करते हैं।